नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आयुष भट्टाचार्या। आज हम देखेंगे कि जेकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो टॉपिक लिखते थे आज का, इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो देखो, पहली बात तो इम्प्लिसिट फंक्शंस का मतलब क्या है ये जानो। इम्प्लिसिट फंक्शंस का मतलब है कि कुछ इस तरह का, जैसे मैं कुछ इस तरह से अगर लिखूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई। सोचो ये एक मतलब फंक्शन है, सोचना क्या है, ये तो सचमुच फंक्शन है। पर खैर, तो इसमें जनरली फंक्शंस कैसे दिखते हैं, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, कुछ इस तरह से दिखते हैं, करेक्ट। यहाँ पे मैंने क्या किया, वाई को एकदम बाहर खींच कर लाया। ठीक है, मैंने यहाँ पे वाई को बाहर खींच लाया, लेकिन इस प्रकार ये ठीक है, ये नॉर्मल फंक्शन हो गया। लेकिन इस प्रकार के फंक्शंस में क्या है ना, हम वाई को आराम से ऐसे बाहर नहीं खींच सकते। ठीक है, हो सकता है बहुत मैनिपुलेशंस करने के बाद पॉसिबल हो जाए, हो सकता है, लेकिन जनरली हम y को ऐसे बाहर निकाल नहीं सकते। या फिर अगर x को सोचो, अभी ऐसे भी फंक्शन होता है x इज इक्वल्स टू, चलो इसे को ही ले लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन। ठीक है, ऐसे भी फंक्शंस होते हैं, पर यहाँ पे x को भी हम बाहर नहीं ले सकते। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस जो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मिले हुए हो, ठीक है, जैसे इधर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे हम बाहर खींच लाए और बाकी सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे है। लेकिन जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, दोनों आपस में मिले हुए हो, उसे कहते हैं एक इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, उसे कहते हैं एक इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना इम्प्लिसिट फंक्शंस का मतलब क्या है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इम्प्लिसिट नहीं, हमें उसका जेकोबियन निकालना है। ठीक है, हमें उसका जेकोबियन ढूंढना है। ठीक है, तो जेकोबियन ढूंढे कैसे, तो देखो सोचो, अब देखो ये जो हमने देखा था एक्स स्क्वायर प्लस, चाहे तो लिख देता फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे मैं माइनस एक्स वाई भी कर सकता हूँ, माइनस एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। तो एक काम करते, इसे एक फंक्शन नाम दे देते। ठीक है, इसे मान लेते कि ये एक फंक्शन है, मान लेते हैं। तो ऐसे ऐसे अगर जितने सारे फंक्शंस हो, ठीक है, ऐसे जितने भी फंक्शंस हो, f1 जैसे f1 इज इक्वल्स टू, या f1 इज इक्वल्स टू नहीं होगा, f1 y1 y2 टिल yn कॉमा x1 x2 टिल xn। ठीक है, ये f1 हुआ, दूसरा हुआ f2। ठीक है, f1 f2 भी उसी की तरह ही होगा, पर दूसरा फंक्शन होगा। ओके, वो दूसरा फंक्शन होगा। सो y1, y2, y3 टिल yn, देन x1, x2 टिल xn, ओके, ऐसे करके जाता रहेगा टिल fn, ओके, टिल fn वो जाता रहेगा। तो अभी fn देखते हैं। ठीक है, f1, f2 ऐसे कंटिन्यू होते होते fn देखते हैं। fn भी बिल्कुल इसी तरह ही होगा, y1, y2, y3, y1, x1, x2 टिल xn, ओके। ये अभी इतने सारे जो फंक्शंस है, जैसे कि हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू तो ज़ीरो ही आएगा, लास्ट ऑफ ऑल इक्वल टू तो ज़ीरो ही आएगा ना। सिमिलरली इधर भी इक्वल टू ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, ये सारे फंक्शंस अगर हम इस तरह से ले लें तो इक्वल टू ये ज़ीरो आएगा, इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, ओके, सब इक्वल टू ज़ीरो ही आते हैं। अगर हमें इसका जेकोबियन ढूंढना है, ठीक है, अगर हमें इसका जेकोबियन ढूंढना है इस तरह से, कुछ इस तरह से, कहाँ पे लिखो, चलो इधर ही लिख देते हैं, डबा क्या होगा, y1 कमा y2 कमा y3 टिल yn। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x1 कमा x2 कमा x3 टिल xn, ओके। अगर हमें इस तरह से ढूंढना है जेकोबियन, ये कैसा हम ढूंढेंगे, ये हम ढूंढेंगे कुछ इस तरह से। पहली बात तो -1 रेज टू n करना पड़ेगा। ठीक है, जितने सारे वेरिएबल्स है हमारे पास, रेज टू n करना पड़ेगा।
और हमें दो जेकोबियंस लेने पड़ेंगे, ठीक है, दो जेकोबियंस ऐसे डिवाइड कर दो। ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा डबा डबा F1 F2 F3 टिल FN, करेक्ट, टिल FN डिवाइडेड बाय डबा डबा Y1 Y2 Y3 YN। ओके, पहले तो हमें इस तरह से एक जेकोबियन लेना पड़ेगा। नीचे और एक जेकोबियन आएगा जो कि है F1 F2 F3 टिल FN, ओके, डिवाइडेड बाय डबा X1 X2 X3 XN। ओके, क्योंकि देखो ये जो फंक्शन है हम इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी जेकोबियन ढूंढ सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी जेकोबियन ढूंढ सकते हैं। ओके, तो फाइनली अगर हमें विथ रिस्पेक्ट वाई जेकोबियन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ढूंढना है तो फिर हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिवाइडेड बाई एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये कुछ इस तरह से ही है। जैसे कि सोचो डी, हम कभी कवर करते थे ना डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हम क्या करते थे इधर डी कुछ और ले ले, चाहे तो डी जेड ले लेते हैं, डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स बाई डी जेड बाई डी वाई। ठीक है, ये कुछ इस तरह से ही है, बस फ़र्क थोड़ा सा है कि क्या फ़र्क है कि ये जो माइनस वन है ना, माइनस वन वो उधर माइनस वन नहीं रहता बट इधर माइनस वन रहता है विथ रिस्पेक्ट विथ माइनस वन डेज टू एन। ठीक है, फिर अब देखो तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना कि इम्प्लिसिट फंक्शन में जेकोबियन दिखता कैसे, एटलीस्ट, ठीक है, दिखता कैसे, क्वेश्चंस लगाते हैं फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यू, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स यू। ठीक है, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है कि वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू यू वी, वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू यू वी कॉमा जेड इज इक्वल्स टू यू वी डब्ल्यू। ओके, जेड इज इक्वल्स टू यू वी डब्ल्यू। ठीक है, ये तीन इक्वेशन हमें दिए गए हैं और हमें प्रूव करना, एक्चुअली प्रूव दैट, हमें एक्चुअली प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि जेकोबियन, ठीक है, जेकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ही है ना, हाँ ठीक, सो एक्स वाई जेड, जेकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर वी। ठीक है, इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर वी। अब देखो इसमें तो ठीक है प्रूव करने को बता रहा है तो हमें आंसर पहले से ही पता है, पर कभी कभार ऐसे बोलते हैं कि इफ मतलब ये तीन इक्वेशंस दे देंगे फाइंड दिस, ठीक है, कभी कभार फाइंड दिस, तो तभी तो हमें यू स्क्वायर वी नहीं पता रहेगा। ठीक है, इस केस में पता है, अच्छी बात है, तो हमें सिर्फ यहाँ प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें, बिल्कुल यही करना है। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशंस दिए गए हैं और ये सारे के सारे इम्प्लिसिट इक्वेशंस है, इम्प्लिसिट फंक्शंस है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी सारे जो भी दिख रहा है ना सब एक साइड में ले लो और इक्वल टू ज़ीरो कर दो। ठीक है, तो जैसे कि मैं F1 लूँगा, F1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस यू इक्वल टू ज़ीरो, F2 इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड माइनस यू वी इक्वल टू ज़ीरो, देन F3 इज इक्वल्स टू जेड माइनस यू वी डब्ल्यू इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस है, ठीक है, ये तीन इक्वेशंस है जो हमें अभी मिले हैं, ये सारे के सारे इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं। ओके, तो अभी अगर हमें इस तरह से कुछ ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, सेम वैसे ही उधर लिखना पड़ेगा। तो डबा एक्स वाई जेड मतलब जेकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी एंड डब्ल्यू, ये कैसे दिखेगा, पहली बार तो माइनस वन रेज टू कितना होगा, माइनस वन रेज टू थ्री होगा, करेक्ट, क्यों, क्योंकि
तीन वेरिएबल है ना, देखो इधर कहाँ गया, y1, y2, y3 टिल yn, मतलब जितने सारे वेरिएबल्स है वो ऊपर एक्सपोनेंट में लगाना है, तो इधर तो तीन वेरिएबल्स हैं इसलिए 3 लगा दिया हमने, एंड दिस विल बी जेकोबियन ऑफ f1, f2, f3 टिल fn, ठीक है, टिल fn बाय जेको, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू होगा एक्स, एक्चुअली एफ इतने सारे नहीं चाहिए हमें, इधर यहाँ तक ही ख़त्म हो जाएगा, f3 xyz, करेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू xyz होगा, डिवाइडेड बाई जेकोबियन ऑफ f1, f2, f3 विथ रिस्पेक्ट टू जेकोबियन, विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू uvw, ठीक है, uvw, यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन है, ये जो y1 है ना इधर, y1, y2, y3, yn, ये इधर नहीं है होगा, ये एक्चुअली नीचे होगा, ठीक है, ये नीचे होगा, x1, x2, इधर x1, x2, x3 टिल xn जाएगा, ठीक है, x1, x2, x3 टिल xn, और इधर जाएगा y1, y2, y3 टिल yn, ठीक है, ये छोटा सा करेक्शन है, आप करेक्शन कर लीजिएगा, एक्चुअली कभी कभार कन्फ्यूज़न हो जाता है, पर देखो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, y ऊपर जो है वो एकदम नीचे चले जाएगा, नीचे जो है वो ऊपर चले जाएगा, ठीक है, बस इतना ही याद रखो, y1, y2, y3, yn ये सारे नीचे चले जाएंगे, x1, x2, x3 ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, सिमिलरली इधर भी हमें वही करना है, xyz इधर नहीं आएगा, इधर क्या आएगा, uvw आएगा, करेक्ट, uvw, एंड इधर क्या आएगा, इधर आएगा xyz, ठीक है, तो समझ तो आ गया ना कि प्लेस कैसे करना है, एटलीस्ट अब हमें ये पहले ढूंढना है फिर ये ढूंढना है, तो चलो मैं इसे इरेज कर देता हूँ इधर, तो देखो डाबा मतलब जेकोबियन ऑफ, जस्ट अ मिनट, जेकोबियन ऑफ क्या है, f1, f2, f3 विथ रिस्पेक्ट टू यू वी एंड डब्ल्यू क्या होगा, कुछ इस तरह से ही होता, ठीक है, तो ठीक है चलो मैं लिख ही देता हूँ, डबा f1 बाई डबा u, देन डबा f1 बाई डबा v, डबा f1 बाई डबा v, डबा f2 बाई डबा u, हाँ डबा f2 बाई डबा v, डबा f2 बाई डबा w, uvw एक्चुअली, हाँ डबा f3 बाई डबा u, डबा f3 बाई डबा v, डबा f3 बाई डबा w, ठीक है, ये हमें अभी ढूंढना है, तो चलो एक एक करके ढूंढते, फिर इसे मैं इरेज कर देता हूँ इधर, तो अभी यहाँ पर इज इक्वल्स टू, एक एक करके अभी सब्स्टिट्यूट करना है, तो डाबा f1 विथ रिस्पेक्ट टू u, तो विथ रिस्पेक्ट टू u अगर हम करें तो ये 0, 0, 0, -1, ठीक है, ये होगा -1, डाबा f1 विथ रिस्पेक्ट टू v, सो विथ रिस्पेक्ट टू v ये तो पूरा 0 हो जाएगा, देन डाबा f1 विथ रिस्पेक्ट टू w, विथ रिस्पेक्ट टू w ये भी 0 हो जाएगा, देन डबा f2 विथ रिस्पेक्ट टू u, अभी ये विथ रिस्पेक्ट टू u करना है, तो ये होगा -v, ठीक है, विथ -v होगा ना, हाँ ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू v करना अभी, तो ये हो जाएगा -u, करेक्ट, देन डबा f2 विथ रिस्पेक्ट टू w, तो ये 0 हो जाएगा, ओके नेक्स्ट क्या है, अभी डबा f3 विथ रिस्पेक्ट टू u, तो -vw, करेक्ट, -vw, then डबा f3 with respect to v, so minus of u w, and with respect to w, so it is -uv, okay, ये हमें ढूंढना है अभी,
तो इक्वल टू क्या होगा इधर? अब देखो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि एक मतलब फॉर्मूला ही आता है, अगर ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट भी कह सकते हो, ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट है, तो फिर हमें बस ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उससे ही मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही है। तो ये क्या होगा, ये माइनस यू स्क्वायर वी होगा, ठीक है, ये माइनस यू स्क्वायर वी होगा। अब देखो, ठीक है, ये तो हो गया, अभी हमें दूसरा वाला ढूंढना है, ठीक है, ये भी ढूंढना है हमें। तो एक काम करते हैं, ये सारे फंक्शंस हमें लिखने हैं, तो मैं इधर लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस यू एफ टू इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड माइनस यू वी एंड एफ थ्री इज इक्वल्स टू जेड माइनस यू वी डब्ल्यू, ठीक है, ये तीनों हमने फंक्शन से लिख दिए हैं। अब एक काम करता हूँ, ये सारे इरेज कर देता हूँ, अब हमें क्या ढूंढना है, डबा एफ वन एफ टू एफ थ्री विथ रिस्पेक्ट टू डबा एक्स वाई जेड, ठीक है, अभी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड ढूंढना। तो ये चलो मैं लिख देता हूँ इधर, डबा एफ वन बाय डबा एक्स डबा एफ वन बाय डबा वाई डबा एफ वन बाय डबा जेड, ठीक है, ये तीन हो गए। नेक्स्ट क्या है, डबा एफ टू भाई डाबा एक्स, ठीक है, याद रखना, कभी कभार मुझसे भी गलती हो जाती है, पर हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि कहाँ पे क्या प्लेस होगा, ठीक है, डाबा एफ वन एफ वन नीचे एफ टू नीचे एफ थ्री एक्स वाई जेड, ओके, डाबा एफ टू और यहाँ पे डाबा एफ टू डाबा वाई डाबा एफ टू बाई डाबा जेड, ठीक है, डाबा एफ थ्री बाई डाबा एक्स डाबा एफ थ्री बाई डाबा वाई डाबा एफ थ्री बाई डाबा जेड, ठीक है, डिटर्मिनेंट उधर ख़त्म, ओके। नाउ अभी हमें सब प्लेस करना है, तो चलो प्लेस करते हैं। तो प्लेस कैसे करें, डाबा एफ वन बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन एक्स तो वन होगा, एफ वन बाई वाई तो वन इधर भी वन, देन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये ज़ीरो, विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो ये वन, विथ रिस्पेक्ट टू जेड तो ये भी वन, डबा एफ थ्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ज़ीरो, डबा एफ थ्री विथ रिस्पेक्ट टू वाई ये भी ज़ीरो, डबा एफ थ्री विथ रिस्पेक्ट टू ये, तो ये क्या होगा, वन इंटू वन इंटू वन विच इज़ वन, ये भी ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो ऑफकोर्स सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा। तो ये यू स्क्वायर वी और ये वन, तो हमें क्या ढूंढना था, हमें ढूंढना था कि इसे मैं एड्रेस करता हूँ, ओके, इस पार्ट को मैं एड्रेस कर देता हूँ, हमें ये ढूंढना था कि डाबा एक्स डाबा यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, या शायद एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, क्या था, ओके, एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, ठीक है, एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, सो एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, सो दिस विल बी डाबा एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू डाबा यू वी डब्ल्यू, क्या होगा इधर, पहले हमें लिखना पड़ेगा ये स्पॉट, देखो माइनस वन तो इधर आएगा, फिर डाबा एफ वन एफ टू एफ थ्री बाई डाबा यू वी डब्ल्यू, ठीक है, ये ऊपर था न्यूमरेटर में, तो हमें ये प्लेस कर देना इधर, और ये तो क्यूब है, माइनस यू स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई वन, ये आंसर में क्या आएगा, सिर्फ यू स्क्वायर वी, करेक्ट, यू स्क्वायर एंड वी, सो ये है हमारा फाइनल आंसर, यही हमें प्रूव करना था एक्चुअली, पर कभी कभार बोलते हैं कि फाइंड करो, तो फाइंड करते करते जब हम यहाँ पहुँचे बस रोक दो और कुछ नहीं करना, ठीक है, तो ये क्लियरली समझ में आ गया, ओके। नाउ अब हम और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो ये कहता है कि क्वेश्चन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन The roots of the equation एक इक्वेशन दिया गया है हमें, जो है
लैम्ब्डा माइनस एक्स का क्यूब प्लस लैम्ब्डा माइनस वाई का क्यूब प्लस ओके लैम्ब्डा माइनस वाई का क्यूब प्लस लैम्ब्डा माइनस जेड का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। और यू वी डब्ल्यू, ठीक है, इक्वेशन है, और यू वी डब्ल्यू मतलब इसका जो रूट्स है, इसके जो रूट्स है वो है यू वी एंड डब्ल्यू, ठीक है, वो है यू वी डब्ल्यू, मतलब जहाँ पर हम लिखते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, वहाँ पे वो एक्स का जगह लैम्ब्डा ले रहा है, ठीक है, एक्स का जगह लैम्ब्डा ले रहा है, बस इतना ही फ़र्क है। तो रूट्स हमें यू वी और डब्ल्यू मिला है, क्यों, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, तो ऑफकोर्स तीन रूट्स मिलेंगे हमें। हमें प्रूव करना है एक्चुअली, देन प्रूव दैट जेकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू जेकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, जेकोबियन हमें लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वी माइनस डब्ल्यू देन डब्ल्यू माइनस यू एंड यू माइनस वी, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, ओके, ठीक। तो अब बात ये आती है कि आगे बढ़े कैसे हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है, ठीक है, ये इस फॉर्मेट में दिया है ना, एक्सपेंड कर दो, जैसे मैंने लिखा था ना एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, उस फॉर्मेट में एक्सपेंड कर दो। तो देखो मैं इसे लिख रहा हूँ फिर से, लैम्ब्डा माइनस एक्स क्यूब प्लस लैम्ब्डा माइनस वाई का क्यूब प्लस लैम्ब्डा माइनस जेड का क्यूब इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर अब इसे एक्सपेंड करेंगे तो कैसे दिखेगा, मैं पहले से लिख कर लाया हूँ, ठीक है, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसे सॉल्व करना जानते होंगे क्यूबिक इक्वेशंस को। तो फाइनली एक्सपेंड करने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखेगा, लैम्ब्डा क्यूब माइनस लैम्ब्डा स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ओके, देन कम्स प्लस लैम्ब्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके, माइनस वन बाई थ्री एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है। हमें अगर ये एक्सपेंड करे तो इस तरह से ही हमें मिलेगा ये फंक्शन, ठीक है। तो हमें ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इस तरह से मिला कुछ। अब बात ये आती है कि एक वो पता है रूट्स, समेशन ऑफ रूट्स, वो सब हमें पता है। तो यू वी डब्ल्यू, ठीक है, अगर हम सारे रूट्स को सम कर दें यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है। तो सिमिलरली क्यूबिक इक्वेशन में अगर तीनों रूट्स को सम कर दिया जाए, यहाँ पे भी माइनस बी बाई ए ही होता है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है क्यूबिक में, यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, ये नेक्स्ट स्टेप है, तो बी छोड़ो सी के जाओ, और यहाँ पे माइनस सी बाई ए नहीं, सिर्फ सी बाई ए, तो सी बाई ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई वन, ठीक है, तो नहीं लिख रहा वन। नेक्स्ट स्टेप सभी का प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे किसी का प्रोडक्ट नहीं लेना था, यहाँ पे दो दो का प्रोडक्ट लेना था, और यहाँ पे तीनों का प्रोडक्ट हमने ले लिया। यू वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए, सो वन बाई थ्री हाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, ये तीन हमने इक्वेशंस लिख दिए। नेक्स्ट इसे अभी एकदम एक साइड में ले लो और लास्ट में ज़ीरो कर दो, ठीक है। तो F1 इज इक्वल्स टू U प्लस V प्लस W माइनस X माइनस Y माइनस Z, F2 इज इक्वल्स टू यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस यू डब्ल्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, F3 इज इक्वल्स टू यू वी डब्ल्यू माइनस वन बाई थ्री एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, ये हमने सब एक साइड में ले लिया, ठीक है, सब हमने एक साइड में ले चुके हैं। अब
प्रूफ क्या करना था, व्यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो हमने ये तो ये डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, इसके लिए हमें जैसे मैंने फार्मूला बताया था इम्प्लिसिट फंक्शंस का वैसे करना है। तो फार्मूला मैं लिख देता हूँ इधर, डबा यू वी डब्ल्यू बाई डबा एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू माइनस वन क्यूब, ठीक है, माइनस वन क्यूब डबा एफ वन एफ टू एफ थ्री बाई डबा एक्स वाई जेड बाई डबा एफ वन एफ टू एफ थ्री बाई डबा यू वी डब्ल्यू, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। सो इसके बाद हमें ये सॉल्व करना है और ये सॉल्व करना है। तो देखो मैंने पिछले बार तो मैंने सॉल्व करके दिया था, तो इस बार मैं जो डबा 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 वो सब मैं नहीं लिखूँगा, मैं डायरेक्टली लिखूँगा कि चलिए इसे मैं इरेज करता हूँ, जो सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैसा दिखता है वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले इसे इरेज कर देता हूँ। क्या है, अगर मैं सब कुछ सॉल्व करने जाऊंगा तो पहली बात तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और दूसरी बात कि वीडियो का जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब नहीं है ना कुछ। तो डाबा एफ वन एफ टू एफ थ्री बाई डाबा एक्स वाई एंड जेड, पहले ये ढूंढते हैं, ठीक है, पहले ये ढूंढते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद कुछ इस तरह से आंसर मिलता है हमें, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू एक्स, टू एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड, ठीक है, एंड फाइनली माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये हमें मिलेगा आंसर में। सो अगर हमें ऐसा मिला तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो टू को बाहर ले लो, ठीक है, तो माइनस टू बाहर ले लो और माइनस माइनस छोड़ दो, तो सिंपली वन 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 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मिलेगा हमें, ठीक है, ये हमें मिला। ओके, सो नाउ इसे भी मैं इरेज करता हूँ। अब हमें सॉल्व कैसे करना है, देखो ऐसे डायरेक्टली सॉल्व मत करते जाओ, ठीक है, इन दोनों को पहले ज़ीरो कर दो, ठीक है, इन दोनों को ज़ीरो कर दो। उसे कैसे ज़ीरो करना है, माइनस टू पहले मैं आंसर में लिख देता हूँ, वन एक्स एंड एक्स स्क्वायर सो दिस विल बी ज़ीरो, वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस विल ऑल्सो बी ज़ीरो, जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने किया कॉलम, हाँ कॉलम कॉलम टू माइनस कॉलम वन कॉलम थ्री माइनस कॉलम वन, बस इतना ही किया मैंने, ठीक है, बस मैंने इतना ही किया, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस टू, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस टू जेड स्क्वायर माइनस टू देन वाई माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ, या चलो मैं इधर ही प्लस कर देता हूँ और इधर एक्स माइनस जेड कर देता हूँ, ठीक है, एक्स माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस टू दिस विल बी होल वाई माइनस एक्स देन जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस जेड देन दिस विल बी एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, ठीक है, कुछ इस तरह से है हमारा आंसर। सो नेक्स्ट इसे मैं अगर इरेज कर दूँ तो क्या आएगा, डबा एफ वन एफ टू एफ थ्री बाई डबा एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू ये आएगा टू टू वाई माइनस एक्स माइनस टू, एक्चुअली वाई माइनस एक्स को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, वाई माइनस एक्स को मैंने बाहर ले लिया, ऑल्सो मैं यहाँ पर एक्स माइनस जेड को भी मैं बाहर ले सकता हूँ, ठीक है, जेड माइनस एक्स को मैंने बाहर ले लिया, ओके, जेड माइनस एक्स को मैंने बाहर ले लिया, तो इधर एक्चुअली एक काम करते हैं, इधर जेड माइनस एक्स ही ले लेते हैं, इधर z माइनस एक्स और इधर z माइनस एक्स और इधर माइनस ही ले लेते हैं,
माइनस जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स माइनस, ठीक है ओके। सो जेड माइनस एक्स मैंने बाहर ले लिया, बचा क्या, बचा है जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स, करेक्ट। जेड माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स, सो इट विल बी जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, सो इट विल बी जेड माइनस वाई, करेक्ट, इट विल बी जेड माइनस वाई, कुछ इस तरह से होगा ना, जेड माइनस वाई, ठीक। तो ठीक है, हमें आंसर तो मिल चुका है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। अब हमें क्या करना है, अब हमें विथ रिस्पेक्ट टू यू वी एंड डब्ल्यू ढूंढना है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे डायरेक्टली लिख ही देता हूँ U V W, क्योंकि इसका भी प्रोसेस बिल्कुल इसी तरह से ही है, ठीक है, इसी तरह से ही हमें ढूंढना है U V W के रिस्पेक्ट में। तो बार बार सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं होता, टाइम बढ़ जाएगा उससे, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ओके। तो इसका आंसर होगा माइनस ऑफ U माइनस V, माइनस ऑफ U माइनस V, V माइनस W, V माइनस W एंड W माइनस U, W माइनस U, ठीक है। ये हमें दोनों मिल गए, बस अब क्या करना है, अब तो बस सब्स्टिट्यूट करना है। तो आंसर में क्या आएगा, W डबा U V W बाय डबा X Y Z इज इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है, माइनस वन टू X माइनस Y ले लेते हैं, ठीक है, इधर X माइनस Y ले लेते हैं, इधर Y माइनस Z ले लेते हैं, एंड दिस विल बी Z माइनस X बाय, ठीक है, मैंने इसे बस थोड़ा रीअरेंज किया है और ज़्यादा कुछ नहीं किया, माइनस ऑफ यू माइनस वी, इधर भी माइनस आता, यू माइनस वी, वी माइनस डब्ल्यू एंड डब्ल्यू माइनस यू, ठीक है, डब्ल्यू माइनस यू। सो फाइनली फाइनल आंसर कुछ इस तरह से आएगा, फाइनल आंसर हमें मिलेगा इज इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है, माइनस वन छोड़ो, सीधा माइनस टू लिख देते हैं, माइनस टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स बाय यू माइनस वी, वी माइनस डब्ल्यू एंड डब्ल्यू माइनस यू, ठीक है, फाइनल आंसर हमें इस तरह से मिलेगा ओके। सो लास्ट ऑफ ऑल ये हमें यही प्रूव करना था, सो हेंस प्रूव्ड लिख देते हैं, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो याद रखना, ये इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं, मैं भी जानता हूँ, पर कोई बात नहीं, एक बार अगर आपको प्रैक्टिस हो गया ना तो लंबे लंबे क्वेश्चंस भी आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया पूरा प्रोसेस कैसा होता है ओके। नाउ मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, आप वो कर लीजिए, और इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आएगा, आंसर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2uv u माइनस वी, 2uv u माइनस वी, ठीक है, इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।